फ्रेंड्स, डोरी पाइपिंग कैसे निकलती है आज मैं आपको वो बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी डोरी रहेगी, और जो ये फैब्रिक रहेगा ये आपका सवा इंची रहेगा, जो हमारी कटिंग होती है ये उरेब में रहेगी। और अब हम इसके बीच सेंटर में इस पाइपिंग को, डोरी को रखेंगे, और जो आपका जैसे ज्वाइंट आ जाता है बीच में से, तो आप दोनों साइड में इस तरीके से करेंगे। तो चलिए अभी निकाल के दिखाते हैं। पता है क्या बोलते थे, इस तरीके से आप पाइपिंग बनाएंगे, और जो आपकी डोरी है ध्यान रहे बिल्कुल आपके इधर जहाँ की जहाँ बंद की साइड रहता है बिल्कुल इससे टच रहनी चाहिए। अब जैसे ज्वाइंट आ गया आप इसको इस तरीके से खोल देंगे, डोरी को ऊपर रखे इस तरह से, फिर आप डोरी बना देंगे, बिल्कुल बारीक डोरी बनेगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को पूरा कट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कट करके कितना रखना है। अब आप ये देख सकते हैं कट करके आपको जो मार्जिन है बस इतना ही रखना है, हाफ इंच से भी कम। आपकी डोरी बन चुकी है। अब हम इसको प्रिंसेस कट पे आपको लगा के दिखाते हैं। ये ब्लाउज है, ब्लाउज का प्रिंसेस कट है। प्रिंसेस कट में बीच में किस तरीके से आप ये पाइपिंग लगाएंगे, चलो वो सीखते हैं। अभी नीचे वाला आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रखा जाएगा, इसी के ऊपर हम अपनी पाइपिंग को रखेंगे। अब आप देख सकते हैं जितना आपका इसमें पाइपिंग में आपका मार्जिन है सेम उतना ही मार्जिन आप अपने फैब्रिक का रखेंगे। हल्की सी पाइपिंग को खींचेंगे हल्का सा, इस तरीके से आप प्रिंसेस कट पे उसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से आप दोनों पल्लू पे अपना पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम किस तरीके से स्टिच करेंगे, ऊपर कौन सा रखा जाएगा अभी आप देखिए। ये वाला जो हमारा छोटे वाला पार्ट होता है ये हम ऊपर रखेंगे तब इसको स्टिच करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो ऊपर से हमारा, मैं आपको पहले इस तरीके से दिखा देती हूँ रख के, आप ये देखिए ये हमारी आर्मोल है। आप इस तरीके से देखेंगे दोनों को सीधा करके इस तरीके से देख ले ताकि आपको पता चल जाए कि ऊपर कौन सा स्टिच करना है नीचे कौन सा स्टिच करना है। और नीचे हमारी जो ये हमने डॉट लगाई थी डेढ़ डेढ़ इंच वाली वो वाली होती है, इसको फिर आप इस तरीके से उल्टा कर देंगे, फिर आप इसको बिल्कुल इस तरीके से घुमाएंगे। और आप देख सकते हैं जहाँ तक आपका ये डोरी पाइपिंग है इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे, यहाँ से आपका बराबर दोनों फैब्रिक बराबर रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ से स्टिच करते हुए चलेंगे और इसको हल्का हल्का इस तरीके से हल्का हल्का लूज छोड़ के इस तरीके से आप इसको ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए अभी इसको ज्वाइंट करके दिखाते हैं। बिल्कुल आपको बराबर बराबर रखना है, हल्का हल्का ऊपर वाले को हम हल्का हल्का हम इसको लूज रखेंगे। जहाँ पे आपका राउंड आता है वहाँ से आप लूज रखेंगे, बाकी आपको सेम स्टिच कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो आपका नीचे की जो फैब्रिक है वो भी बिल्कुल बराबर ही आएगा। अभी मैं सीधा करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं आपका प्रॉपर पाइपिंग बिना प्रेस के अभी आपको दिख रही होगी बिल्कुल प्रॉपर स्टिच हो चुकी है। तो इस तरीके से आप प्रिंसेस कट की अपनी जो पाइपिंग है वो इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा जो हमारा पार्ट है उसको भी स्टिच कर लेंगे।
उसको हम किस तरीके से करेंगे वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, दूसरे वाले को हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम इस तरीके से रख के देखेंगे इस तरीके से। अब हम नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, नीचे हमारा पाइपिंग वाला रहेगा और ऊपर हमारा इस तरीके से ये रहेगा। अभी हम इसको भी यहाँ से प्रॉपर बराबर कर लेंगे इस तरीके से, फिर हल्का हल्का आपका यहाँ तक आप देखते हैं बराबर आता है, उसके बाद आप हल्का हल्का इस तरह से राउंड देते हुए इसको आप अपना आप देख सकते हैं पूरा बराबर आएगा, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अभी हम लगा के दिखाते हैं। हमने बराबर रख लिया है, और जो हम राउंड पे जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक होता है हल्का सा हम उसको अपनी साइड खींचेंगे और ऊपर वाले को हल्का सा लूज रख लेंगे, क्योंकि राउंड पे जहाँ हमारी पाइपिंग होती है आप देखते हैं हल्का सा उसमें हमें जो राउंड आता है तो वो दिक्कत ना करें, अच्छे फिनिशिंग के साथ बैठे। अब आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें लगेगा क्या? ये आपका राउंड है जो कि बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। अब इसको पलट के दिखाते हैं, आप देख सकते हैं बिना प्रेस के कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ बिल्कुल इक्वल आपकी पाइपिंग बैठ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पाइपिंग वाली वीडियो जो कि प्रिंसेस कट की थी। अभी हम इस पे प्रेस करके दिखाते हैं आपको। आप प्रिंसेस कट पे जब भी प्रेस करें इस तरह एक गद्दी बना लें और फिर उस पर इस तरीके से रख के प्रिंसेस कट पर आप प्रेस करेंगे। ताकि आपका राउंड जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमने पाइपिंग निकाली है प्रिंसेस वाली बिल्कुल इक्वल निकली है आपकी, और जो लगाने का तरीका था वो भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप प्रिंसेस कट पे अपनी पाइपिंग लगाएं। आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद मैं करती हूँ, इतनी तो आप इतने समझदार हैं इतना तो आप समझ ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, कमेंट करके जरूर बताना आज की हमारी ये पाइपिंग वाली वीडियो आप सबको कैसी लगी है, पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।